Welcome back. So this is our next topic, software crisis. In our previous lecture, we have understood software characteristics and we have formed a basic definition of software engineering. So what is software crisis? Crisis means the intensive difficulty या danger की situation को हम crisis कहते हैं. तो ये crisis हम software के respect में कैसे face कर सकते हैं? जब भी आपका software अपनी value, अपनी importance, अपना usefulness खो देता है with respect to time, with respect to changing demands, with respect to increasing complexity, तो हम उस software को उस particular situation में software crisis के नाम से refer करते हैं. ठीक है, तो अगर हम सरल भाषा में इसका एक डेफिनेशन डिज़ाइन करना चाहें तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस विद रिस्पेक्ट टू अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज़ इनवैल्यूएबल, इज़ यूजलेस, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिमांड इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस. ओके, तो ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमें अलग अलग लेवल्स पे या अलग अलग प्रॉब्लम्स के वजह से देखने को मिलता है, जैसे कि इंक्रीजिंग डिमांड जैसे भी हमने बताया. तो आज से एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी. आज से 10 साल पहले हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते थे वो कैलकुलेटर डिज़ाइन किया गया था टू परफॉर्म सिलेक्टिव ऑपरेशन, सिलेक्टिव अर्थमेटिक ऑपरेशन, चार ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ठीक है, बट धीरे धीरे समय के साथ इंक्रीजिंग डिमांड्स बढ़ती गई. ठीक है, इन डिमांड्स के बढ़ने के साथ साथ हमारे उसी कैलकुलेटर में हमने नए नए फीचर्स ऐड किए. धीरे धीरे हम उसमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो मल्टीपल टाइप्स की हम कैलकुलेशंस को सेम उसी कैलकुलेटर में कर सकते हैं. ये पॉसिबल कब हुआ? जब हमने उसी सॉफ्टवेयर के एग्जिस्टिंग फीचर्स को धीरे धीरे मॉडिफाई करा. बट अगर आज के समय में मैं वही पुराना कैलकुलेटर विद 4 फंक्शनैलिटीज़ ओनली उसको यूज़ करूँगी तो वो मेरे लिए इनवैल्यूएबल है, वो हमारे लिए यूज़लेस है. तो उस समय उस सॉफ्टवेयर में जो उस पर्टिकुलर डिवाइस में कैलकुलेटर में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है दैट सॉफ्टवेयर इज़ अंडर सॉफ्टवेयर क्राइसिस बिकॉज इट इज़ नॉट वैल्यूएबल एनी मोर, इट इज़ नॉट यूजफुल टू मी एनी मोर बिकॉज उससे ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, उससे ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स वाला कैलकुलेटर इज़ नाउ अवेलेबल. तो ये एक बहुत टिपिकल सिचुएशन हो जाती है जब हमारा सॉफ्टवेयर समय के साथ अपनी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खोने लगता है. तो ये कब होगा? जब हम लोग सेम टूल्स या सेम मेथड्स या सेम वर्कफोर्स को ही बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे. तो अगर आज से 10 साल पहले जो मैंने टेक्निक यूज़ करी थी टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, वही टेक्निक मैं 10 सालों तक वही फॉलो करती रहूँगी विदाउट एनी चेंजेस, तो जो डेवलप्ड रिजल्ट मुझे मिलेगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. कब हो सकता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस? मैं स्टार्ट करना चाहूँगी लास्ट पॉइंट से, व्हेन सॉफ्टवेयर वाज नेवर डिलीवर्ड. से फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है, बट सिंस वो डेडलाइन मिस करता गया, डेडलाइन मिस करने की वजह से आपने किसी वजह से उस सॉफ्टवेयर को आप अपने कस्टमर को डिलीवर ही नहीं कर पाए, तो जो भी कंटेंट आपके पास इस समय रखा हुआ है, अवेलेबल है, दैट इज़ यूजलेस क्योंकि उसको कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है. वो डिलीवर किया जाता कस्टमर को तो कस्टमर उसको यूटिलाइज़ करता, सिंस इट इज़ नॉट डिलीवर्ड तो वो इनवैल्यूएबल है. तो ऐसा सॉफ्टवेयर हम किसको रिजल्ट कर रहा है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस को. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर रनिंग ओवर टाइम, यानी जब हम अपने प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल मिस कर देते हैं या फिर डेडलाइंस मिस कर देते हैं. तो अगर आपका प्रोजेक्ट एक साल के अंदर ख़त्म होना चाहिए था बट आपका प्रोजेक्ट विद इन 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स तक भी चलता जा रहा है, तो आपने ओवर टाइम ओवर रन कर दिया है अपने सॉफ्टवेयर को, तो अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इनवैल्यूएबल रिजल्ट बिकॉज वो एक साल के डिफरेंस से आपको मिलने वाला है. तो अब आपके लिए आप जब आप उसको यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू इज़ विल बी लेस. ठीक है, सिमिलरली जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और वो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ लो क्वालिटी या फिर वो इनएफिशिएंट है, तो जब भी आप ऐसे इनएफिशिएंट लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो देन दैट ऑल्सो रेफर्स टू अ रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम चाहते हैं वो एफिशिएंट हो, वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, तो कोई भी लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर को या इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करना चाहेगा, उसकी वैल्यू विल बी ऑलवेज लो, उसका इम्पोर्टेंस विल बी ऑलवेज लो. इसलिए हम ऐसे सॉफ्टवेयर को भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस का रिजल्ट मानते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज जब भी आपके कस्टमर ने आपको कोई रिक्वायरमेंट्स दी, जैसे उसने कहा कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए दैट विल बी हैविंग 5 फंक्शनैलिटीज़. ओके, आपने उसको एक सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जिसमें कि 3 फंक्शनैलिटीज़ थी, तो जो सॉफ्टवेयर उस
कस्टमर को मिला है दैट विल बी यूजलेस, क्योंकि उसमें दो दो रिक्वायरमेंट्स या दो फंक्शनैलिटीज़ मिसिंग है. तो ऐसा सॉफ्टवेयर उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उसके लिए वैल्यू नहीं रखता, इसलिए दैट सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस को डिफाइन करते हैं कि ये सारी चीज़ें जब हम लोग मिस कर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हमारी सॉफ्टवेयर को फेस करना पड़ता है. ठीक है, नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इनको. तो सिमिलर चीज़ है, जो चीज़ें आपके पास मिसिंग है या जो चीज़ें आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉपरली करना शुरू करें. तो जैसे कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड, तो अभी अभी हमने देखा था अगर सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो रहा है देन इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. तो आप सॉफ्टवेयर को डिलीवर ज़रूर कीजिए. ठीक है, ये एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आया और उसका टाइम था आपको 5 डेज़ के अंदर वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना था, ठीक है, बट अगर आपका डेडलाइन मिस हो गया, विद इन 5 डेज़ आप नहीं दे पाए, तो आपने उसको 6th डे और 7th डे उसको आपको डिलीवर करना ही चाहिए कस्टमर को. रादर देन डिनाइंग द डिलीवरी टू द कस्टमर, हम उसको डिलीवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ होगा, अदरवाइज इट विल बी बाय डिफॉल्ट द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस. ओके, नेक्स्ट थिंग, ट्राई टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, विच इज़ एफिशियंट. ठीक है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन टू यू बाय द कस्टमर. सारे रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है अपने कस्टमर्स को, कस्टमर के, ताकि आप जो रिजल्ट उसको डिलीवर करें वो यूज़ कर सकें, वो उसके लिए कुछ वैल्यू होल्ड करें. ओके, देन नेक्स्ट इज, जब भी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं यू आर नॉट अ होल एंड सोल सिंगल सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप क्या करते हैं एक टीम का यूज़ करते हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एक्सपीरियंस्ड टीम मेम्बर्स फॉर द टास्क. ठीक है, ताकि आपका जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट हो वो हाई एंड क्वालिटी का हो और आपका कस्टमर उससे सेटिस्फाइड रहे. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बच सकते हैं. दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स. थैंक यू.